बहुत बड़ा सीन हो गया मेरे साथ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब? तो गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, ये वीडियो मैं 102 फीवर में रिकॉर्ड कर रही हूँ। लेकिन मैं इसके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोग को एक भी दिन मिस करूँ, कि मैं आप लोग को एंटरटेन ना करूँ। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा फीवर है और मेरा सुबह अर्ली मॉर्निंग को मुँह बहुत ज़्यादा सूज गया था। अभी थोड़ी सूजन कम है, तो मैंने बोला नहीं, हिम्मत करते हैं और वीडियो बनाते हैं। हमारे सब्सक्राइबर्स रोज़ हमारे लिए वेट करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो गाइस, आज बहुत ही एक्साइटिंग प्रैंक होने वाला है और वो प्रैंक होगा अरसू पे, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, उसको ये पता भी है। तो गाइस, मैंने सोचा कि क्यों ना उस पर हम लोग एक प्रैंक करते। तो आज मैं करने वाली हूँ उस पर नोज़ सर्जरी प्रैंक। मैं उसको बोलूँगी कि मेरी नोज़ की सर्जरी हो गई है और मैं जाऊँगी हॉस्पिटल में, मतलब हॉस्पिटल के नज़दीक कहीं पर जहाँ पे अरसू रहता है वहाँ पे एक हॉस्पिटल है। तो मैं वहाँ पे बाहर जाऊँगी और उसको बोलूँगी कि मैं वही हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मुझे आ जा लेने के लिए या मिलने के लिए। सो गाइस, मैंने सब सामान तैयारी सब पहले ही कर ली थी। तो ये मैंने लाया है कॉटन यहाँ पे लगाने के लिए, एंड ये है पट्टी। अरे भाई, मैं इन दोनों को लगाऊंगी यहाँ पे, एंड फिर उसके बाद में हम फटफट चेंज करके रेडी होकर जाएंगे हॉस्पिटल के बाहर और वहाँ पे अरसू को बुलाएंगे। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसका रिएक्शन देखने के लिए। सो चलो फटफट पहले ये कर लेते हैं। तो अभी हम लोग पहले कॉटन लगा लेते हैं। सो ये मैं सोच रही हूँ ऐसे लगाऊँ, ऐसे कुछ लगा देते हैं एंड फिर पट्टी लगा देते हैं। तो गाइस, कोई हेल्प करने के लिए नहीं है मेरी, तो मुझे ही ये करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं, हम इसको ऐसे रख लेंगे एंड उसके बाद मुझको दिख भी नहीं रहा है गाइस, क्योंकि मैं बैक कैमरा से वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मैं अभी इसको ऐसे, मैं आपको बस बता रही हूँ कि मैं इसको कैसे लगाने वाली हूँ। अगर ये सही से नहीं लगा रहेगा, सो आई विल फिक्स दिस अगेन। तो ऐसे कुछ करके ऐसे हम इसको लगाएंगे। ज़्यादा पट्टियाँ नहीं लगाऊंगी वरना उसको शक हो जाएगा। और इसको यहाँ से मैं थोड़ा वो काट दूंगी। देखो ऐसे कुछ मैं लगा रही हूँ, ठीक है? आओ मम्मा मेरे बाल। हाँ, ऐसे जाएंगे उसके सामने। तो अभी हम फटफट चेंज कर लेते हैं एंड जाते हैं उसके एरिया में, एंड वहाँ पे हॉस्पिटल के पास जाके उसको कॉल करते हैं, देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होगा। ये मुझे बहुत अड़ रहा है, मैं इसको प्रॉपरली फिक्स कर देती हूँ एंड फिर चलो चलते हैं। बाय, सी यू देयर। गाइस, अरसू आ गया है। क्या हो गया आरती, अचानक बहुत बड़ा सीन हो गया मेरे साथ। क्या? गिर गए? नहीं, बहुत गंदा हुआ, उससे भी बुरा हुआ है। घर वाले लोग, मम्मी इन लोग को बोली मैं अरसू घर पे छोड़ देगा तो उन लोग चले गए। कैसे हो तुम? अच्छा, लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ। बताती तुमको, चलो ना यहाँ से कहीं जाते हैं, फिर मेरे को मतलब घर ड्रॉप कर देना तुम। हाँ लेकिन घर ड्रॉप कर दो, आओ बैठो। हाँ हाँ, मैं बता, टैक्सी कर ले? नहीं नहीं, चलेगा बाइक, बैठ सकते हो बाइक पे। क्या हुआ? लेकिन स्टिचेस आएगा? हाँ स्टिचेस नहीं आए, मतलब हड्डी का कुछ है, बताती हूँ। चलो अरसू सुनो ना। हाँ बोलो ना। मेरे को कहीं पे एक राउंड मार के घर छोड़ो ना, बहुत अनइजी फील हो रहा है। अरे अनइजी फील हो रहा है तो घर पे ही जाओ ना। हाँ तो लेकिन एक राउंड मार के छोड़ दो ना घर पे। अरे क्या राउंड, पागल अभी तुम क्या मालूम क्या, एक तो बता रहे भी नहीं हो तुम। बताती हूँ, तुम कहीं राउंड तो मारने लेके चलो, बस थोड़ा सा, दो मिनट का। अरे तुम पागल हो गए हो यार। अरसू यार प्लीज यार, मैं दो दिन से हॉस्पिटल में पक गई हूँ। प्लीज प्लीज, चलो 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 चलो, अरे चलो यार प्लीज। सो गाइज, जो मुझे हुआ है, तो अरसू मुझे बार बार पूछ रहा है क्या हुआ क्या हुआ, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। तो हम लोग रुक गए हैं यहाँ पे। तो ये देखो, अरसू इज हियर। मैंने ना नोज की सर्जरी करवाई हूँ। क्या? नोज की सर्जरी करवाई हूँ। नोज की सर्जरी? यस। मेरी नाक है ना, मेरी जो नाक टेढ़ी हो गई थी। कैसे? गिर गई मैं स्टेप्स पे से। कभी? परसों, जब अपन वीडियो बना के मैं घर गई, उसके बाद मैं जैसे मैं जा रही थी ना, तो मैं ना लिफ्ट बंद थी, तो लिफ्ट रुक गई थी ना। इतनी जल्दी डिस्चार्ज भी दे दिया डॉक्टर ने। हाँ तो हो गया ना, फट सक्सेसफुल हो गया ऑपरेशन। किधर है सब? क्या सब सामान मम्मी लोग लेकर गए? मम्मी ने तुमको अकेला कैसे छोड़ा? क्योंकि तुम आ रहे थे ना,
मम्मी को मालूम था तुम आ रहे हो तो इसके लिए छोड़ दिया अकेला। यार आरती बहुत पेन हुआ यार, मेरे को इतना पेन हुआ, इतना पेन हुआ ना, मैं तुमको बता नहीं सकती। अंशू एकदम हालत खराब हो गई, एकदम हार्ट बीट फास्ट हो गई। चक्कर हो रही है, चक्कर आ रही है अभी भी? नहीं चक्कर नहीं आ रही है, नहीं नाक की सर्जरी में चक्कर नहीं आ रही थी? आती थी ना तभी, लेकिन अभी नहीं आती है। डॉक्टर ने मुझे बोला है 10 दिन का रेस्ट लेने के लिए और फिर उसके बाद में मैं ठीक हो जाऊंगी। 10 दिन का रेस्ट लेने का और घूमने का भी हुआ। घूमने का है तो मैं बोल रही थी राउंड पैक लेके चलो, क्योंकि मेरा बहुत हॉस्पिटल में रह गया ना, एकदम दिमाग एकदम इरिटेट। वैसे ही यहाँ की हवा इतनी प्रदूषित हो गई है गाइस, तुम सांस कैसे ले रहे हो और पादे का सॉरी। तुमको हमेशा मजाक ही सूझता है क्या अरसू? आरती तुम सेंस वाली बात करो। क्या सेंस वाली बात करूं? तुम कैसा गिरे रहोगे सीढ़ी पे? चलो गिरे भी तो तुम हमारे को और किधर लगा नहीं लगा, लेकिन वो हील हो गया, ये हील नहीं हो रहा है। कैसा हील होता है आरती? अरे दो तुमको क्या मजाक लग रहा है? मेरे को नहीं समझ में आ रहा। ठीक है फाइन छोड़ो छोड़ो जाने दो। तुम्हारी नाक चलो 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 तुम्हारी नाक को कैसा? तुमको अभी नहीं यकीन करना है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। चलो चलो नहीं यकीन है तो मैं कुछ। जब ऐसा था तुमको तब तुमको कॉल करना चाहिए था ना मेरे को। अरे लेकिन मैं कैसे कॉल करती, मेरा एकदम फटाक से हो गया सब कुछ, मेरे पास टाइम नहीं था कॉल करने का। एकदम मेरे को पता चलेगा क्या मेरे को कि मैं गिरने वाली हूँ अभी तो अरसू को कॉल कर देती हूँ। तो सर फट गया मालूम क्यों? अरे एकदम अचानक ऐसा सब कुछ देख रहा हूँ मैं, बोले अरे आरती को क्या हो गया एकदम अचानक? पागल हो गए तुम, बताना तो चाहिए था ना कम से कम डॉक्टर ने अभी तुमको। वो तुम्हारे घर के पास जो हॉस्पिटल है उधर ही एडमिट थी मैं। कौन सा हॉस्पिटल? तुम्हारे घर के वहाँ पे ना नजदीक में, मैं नाम नहीं बता सकती। अरे देखो यहाँ पे इशारे में बता दू। इतना नजदीक होने के बावजूद भी तुमने फोन कुछ भी नहीं करे, तुम बोलते तो मेरे को। अरे अरसू मैं डर गई थी, कल फोन किया था तुमको तो तुम उठाए भी नहीं थे। हाँ तो इसके लिए नहीं उठाई ना, क्योंकि ऐसा सब हो गया था तो कैसे उठाती तुम बताओ ना, इतनी बुरी हालत में मैं कैसे उठाऊ फोन। हो तो 2 दिन कैसे कैसे मेरे गुजरे तुमको क्या मालूम अरसू। मैंने किसी को भी नहीं बताई, किसी को भी नहीं बताई मैंने। भाई लोग तो इन्फॉर्म कर सकते थे। अरे हाँ लेकिन वो टाइम पे सब इतने टेंशन में थे कि कोई क्या ही इन्फॉर्म कर पाता, इसके लिए मैंने तुमको अभी बुलाई ना इमरजेंसी। डॉक्टर ने क्या बोला ये बताओ? डॉक्टर ने बोला 10 दिन तक मतलब ड्रेसिंग करना पड़ेगा ये, फिर 10वें दिन बाद फिर मैं ये कर सकती हूँ। अभी बोला थोड़ा हवे में मतलब बाहर रहूँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा धूल प्रदूषण ये सब में नहीं रहने का, थोड़ा दूर रहने का ये सब। घर पे रेस्ट करो और क्या। हाँ तो अभी घर पे ही जा रही हूँ ना, अभी 2 दिन से मैंने कुछ देखी नहीं हूँ हवा पानी, तो इसके लिए थोड़ा तुमको बोली कि राउंड मार, तुम तो अलग ही तुम्हारा चालू है। अरे अब तुम एकदम अचानक में मेरे को बोले, मैं तुमको देखते के साथ ही मैं बोला अरे बाप रे ये क्या हो गया एकदम अचानक, मेरे को लगा किसी ने मार वार दिया, नाक वाक टेढ़ी एड़ी हो गई, लेकिन तुम बोल रहे हो ऐसा। अब तो मेरे को कोई मार सकता है क्या? अरे बैठो तुम बैठो। चलो तो अभी अपन कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे क्या पागल? थोड़ा एक दो राउंड और खिलवाओ ना। तुम पागल हो, तुम बोल रहे हो तुम्हारा यहाँ पर ऑपरेशन हुआ और बोल रहे हो कि राउंड ही गिराओ। अरे मेरा मन नहीं कर रहा है घर जाने का। क्यों नहीं कर रहा मन कर जाने का? तो कंटार आ रही है, चलो ना जाके रेस्ट करो भाई, मत करो। अरे अब 2 दिन तो रेस्ट ही की हूँ ना मैंने। अरे यार ये कैसा बन रहा है यार। चलो चलो अरे मत यार ऐसा मत करो। अरे अरसू तो मेरे दोस्तों के दुश्मन हो। अरे क्या जबरदस्ती है भाई। नहीं यार कोई जरूरत नहीं है उसको, मत फोन करो ठीक है। छोड़ो छोड़ दो घर पे, मेरे को छोड़ दो घर पे, छोड़ो ना घर पे अभी बोल रही तो ठीक है। अरसू सुनो ना, 2 मिनट रुका, 2 मिनट रुका, मेरे को लग रहा है खून निकल रहा है। साइड में रुका, बीच में क्यों रुका रहे हो? नहीं नहीं रुक जाओ, मेरे को लगता है कुछ पानी वानी निकल रहा है नाक से। बैग पकड़ो, बैग पकड़ो, रुक जाओ। इट्स अ मराठ, मालूम था चल जुट्टा।
बहुत गंदा चिपकाई हूँ मैंने। इट्स अ प्रैंक। क्यों हिला डाला ना? मुझ निकल गई क्या मेरी? पकड़ो। मालूम था। ए चल इतना बड़ा। नो सर्जरी। स्टार्टिंग में नहीं समझा था लेकिन धीरे धीरे जब तुम बता रहे थे ना मेरे को जिस हिसाब से वो कर रहा था सब समझ में आता है मेरे को। चलो बैठो। ज्यादा बहुत बड़े शाने हो ना। हाँ तो क्या, सब समझ में आ गया था मेरे को तुम क्या कर रहे थे क्या नहीं। तुम कभी यकीन ही नहीं करोगे। मैं चेक कर लूंगा। क्या नाक खोल के चेक करोगे? हाँ चलो चलो। सो गाइस पहले अभी कहीं घूमने जाएंगे, अब थोड़ी मेरे को कुछ हुआ है। फ्रैंक तो अलग खुजली हो रही थी, इस तरह मैंने गोली रुका दो। सो गाइज ये था अरसू पे प्रैंक और बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल फ्लाइंग इज डोंट। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।